इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान वीर मामा भैणा बुजुर्ग सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। हमेशा सत्कार रहा इस भूमि का। मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि जो दिल्ली में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल उसकी उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल सही है, जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब पर हुआ, अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश पर होगा। दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, भावे रिड़कना भर के जमाना होवे, पर जागदा तो एक चमचे चाहिदा हुंदा है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया, अब दिल्ली और पंजाब दो चम्मच आपको देंगे, हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ। ईमानदारी का आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे, अब तो लोग पंजाब के लोग जो हैं वो मतलब सुबह दोपहर शाम वेट करते रहते हैं कि अब सरकार का कौन सा फैसला आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। 75 साल लेट हो चुके हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, पांच साल। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी, यही फर्क है बस। 5 तुम 5 मैं, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता क्या, जनता का क्या है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। पहले को पहले से तंग आके दूसरे के पास, दूसरे से पहले से ज्यादा तंग आके फिर पहले के पास, शायद ये ठीक हो गया होगा 5 साल में, नहीं ठीक हुए हो। ऐसे पंजाब में था 5 साल। इस बार लोगों ने कहा तुम सब लोग जाओ, हमें कुछ नया तजर्बा करने दो। आपको हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा MLA हैं। आम घरों के लड़के लड़कियां, जिसने मुख्यमंत्री चन्नी को हराया वो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है, आज भी उसकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है, जिसने मुख्यमंत्री को हराया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, बाकियों में तो बारी नहीं आएगी। उनके यहां तो बेटा भतीजा साले जीजे पता नहीं कितने कितने तक चले जाते हैं, उधर नहीं बारी आएगी। आम घरों के आम घरां दे लोग मुंडे कुड़ियां नू आम आदमी पार्टी मौका, मैं कौन हूं कलाकार, चलो ठीक है बहुत सारे मेथों भी बहुत फेमस कलाकार ने, पर मुख्यमंत्री सोचे ही नहीं सी कदे, ना मेरा कोई दादा ना मेरा कोई चाचा कोई राजनीति च, मेरे डैडी टीचर सी, साइंस मास्टर सी, बद तो बदो मैनू साइंस मास्टर बना लेंदे, जा मैनू बीकॉम है बीकॉम करता सी, मैनू मैनू किसी बैंक बुंक चला लेंदे, ये तो बात नहीं। इन्हां ने धीआं पुत ही क्यों राज करन, बई तुसी क्यों ना राज करो। हजे तक मतलब 52-53 साल उम्र होगी होनी राहुल गांधी दी, हजे तक भी यूथ का नेता है,
हमारे बाप 50 क्रॉस कर जाएं उनको बोलते हैं बुजुर्ग। ये 53 साल के भी यूथ के नेता, क्या बात जी। क्या जवानी सिर्फ अखिलेश यादव पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ राहुल गांधी पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ मजीठिया पर ही आई? हम पर कोई जवानी नहीं आई, हमें भी जवान समझो। अब लोगों ने बताया कि क्या हाल होता है, गरीबी दूर कर देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। कोई सरकार, कोई लीडर तुहाडी गरीबी दूर नहीं कर सकता। तुहाडी गरीबी सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन दूर कर सकती है। जदों दिल्ली वांगू सरकारी स्कूलों च पढ़ के वो डिप्टी कमिश्नर बनणगे, कलैक्टर बनणगे, जज लगणगे, DFO बनणगे, वड्डे वड्डे अफसर बनणगे, उदों तुहाडे घरां दी गरीबी दूर होगी। वरना इन्हां तों सुणी चलो एक मौका होर दिओ जी, एक मौका होर। किन्ने क मौके दे दिए, बड़े मौके देते असीं इन्हां नूं। असीं हुण तुहानूं कहिंदे आ हिमाचल वाले, एक मौका सानू दे के देखो ते फिर तुहानूं किधरे होर देखण दी लोड़ नहीं पैणी। आ जिहड़े करप्शन करते हैं इन्हों कह दौ भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल जी आए सी कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। हुकूमत वो करते हैं।